भारत ने बांग्लादेश को इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बुरी तरीके से करारी शिकस्त दी है और 130 रनों से मात दे करके दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने एक शून्य से बढ़त बना ली है। शनिवार को इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन ही भारत ने बांग्लादेश को रौंद दिया। सीरीज का एक मैच खेला जाना अभी बाकी है। कोलकाता के ईडन गार्डन में 22 नवंबर से दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन भारत ने इंदौर में टॉस जीता। इंदौर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ टॉस में हराया बल्कि मैच में बुरी तरीके से शिकस्त देकर के एक शून्य की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा और आखिरी टेस्ट अब जो कि खेला जाना है, यह टेस्ट डे नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत की धरती पर यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इंदौर टेस्ट में टॉस जीतकर दर्शक पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 150 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने इसके जवाब में अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 493 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करके पारी घोषित कर दी। भारत को पहली पारी के आधार पर 343 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान बांग्लादेश टीम को 213 रनों पर समेट दिया और इस तरीके से 130 रनों की विशाल जीत हासिल की।